सामूहिक निर्णय लेंगे और सामूहिक नेतृत्व करेंगे। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। हम लोगों ने यह भी नारा दिया है कि झारखंड में कोई गैर नहीं, आपस में सामाजिक समरसता में कोई बैर नहीं, लेकिन भ्रष्ट नौकरशाहों का खेर नहीं। हम लोगों ने स्लोगन दिया है कोई भीतरी भी नहीं कोई बाहरी भी नहीं। निर्दलीय को भी मिला मधुकोड़ा को एक घोटाला फोटाला। इस बार जो हमारा 5 साल बनेगा, 5 साल में तकदीर बदल देंगे, झारखंड का तस्वीर बदल देंगे। आज ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिवस है। ऐसे तो शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस है और उनकी श्रद्धांजलि का पैमाना इस तरह इतिहास साबित हो गया कि निर्मल महतो 8 अगस्त 1987 में जब शहादत दी, उनकी हत्याकांड दिन दहाड़े जमशेदपुर में हुआ तो सारे झारखंडी जाग उठे, आंदोलित हो उठे और आज इतिहास का पुनरावृत्ति हो रहा है। कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ, इतिहास की पुनरावृत्ति हो रहा है। इस मायने में जो आज संकल्प का दिन है, क्रांति का दिन है, मिसाल का दिन है और एक बहुत बड़ा विशाल विकल्प और संकल्प के रूप में जनमत खड़ा हो गया है, ये बहुत गौरवान्वित बात है, हर्ष उल्लास का बात है कि स्वाधत दिवस पर ऐसे संकल्पित हम है, ऐसे दृढ़ संकल्पित हम है कि तमाम वर्गों को लेकर जो झारखंड प्रदेश को बचाना चाहता है, झारखंड बिरसा मुंडा की सपनों अबुआ दिसुम अबुआ राज जल जंगल जमीन को बचाना चाहता है, उनके लड़ाई से सीएनटी एक्ट बना, संथाल परगना सिद्धू कानू जात भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में एसपीटी एक्ट बना, कोल विद्रोह में विकेंसेंस रूल बना, यहाँ का नियम कानून ताक में रखते हुए सत्ता को हथियाने के लिए सत्ताधारी पार्टियां सत्ता सुख के लिए 3.5 करोड़ जनता की मांग को आशा आकांक्षा को दरकिनार करते हुए केवल अपना रोजी रोटी के लिए राजनीति का रोटी सेकने का काम किया है। मैं इन बहादुर नेतृत्वकारियों को जो विभिन्न वर्ग से आते हैं, झारखंड के शुभ चिंतक हैं, झारखंड के माई माटी को बचाना चाहते हैं, जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं, बिरसा मुंडा के उलगुलान के सपनों को साकार करना चाहते हैं और यहाँ का सभीों को जो जिसके जितने आबादी उतना उसके भागीदारी, इस पक्ष में चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विचारधारा हो, चाहे महात्मा गांधी का विचारधारा हो या मार्क्सवाद लेनिनवाद का विचारधारा हो या बिरसा का विचार हो, तमाम वैचारिक समन्वय स्थापित हुआ है। आज अध्यक्ष मंडली में बना जो पूर्व सांसद कृष्णा माड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान के केंद्रीय अध्यक्ष मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनकांत्री मोर्चा श्रीमती किरण सिन्हा महिला अध्यक्षा है, लोक जन समाज पार्टी मुरलीधर राम अध्यक्ष, बहुजन मुक्ति पार्टी और श्याम बिहारी प्रजापति अध्यक्ष भागीदारी पार्टी, ये तमाम जो 5 राजनीतिक पार्टी है और प्रबुद्ध लोग हैं, इसका प्रेसिडियम में इनको मान सम्मान के साथ जिम्मेदारी दी गई है। अभी फिलहाल कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप संयोजक मंडली जे मेमूल गुलान से बेनीलाल महतो, झारखंड पार्टी से अलवर अलेस्टर बोधना, झारखंड पीपुल्स पार्टी से पंकज मंडल, आरपीआई अंबेडकर से प्रीतम सांड लोहरा और लोक जन समाज पार्टी भारत से सतीश कुमार चतुर्वेदी और राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा से डॉक्टर शमशेर राही, शिव प्रसाद अग्रवाल, अखिल भारतीय जो मानव सेवा दल और मनोज कुमार बहुजन समाज पार्टी, गौतम भारती आदर्श संग्राम पार्टी। फिलहाल हम 10 से 15 की ओर पहुंच चुके हैं और भी कुछ लोगों को जोड़ना है। इतने पार्टी हम सबका राय लेंगे। आगामी 1 सप्ताह के अंदर में फिर रांची राजधानी झारखंड की राजधानी रांची में बैठेंगे। अभी जो प्रारूप दी गई है, इन प्रारूप पर सभी राजनीतिक पार्टी चिंतन मंथन करेंगे और इसी आधार पर क्या घटाना है, क्या हटाना है, क्या जोड़ना है, यानी 24 वर्षों के अंदर में जो बीजेपी गठबंधन और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने
बारी बारी से राज किया है और राजपाट के नाम से राज को लूटपाट किया है, यहाँ का खजाना को खाली कर दिया है, भ्रष्टाचार चरम पर है। 24 वर्षों में स्थानीय व्यक्ति का परिभाषित नहीं करना, 24 वर्षों के अंदर में पिछड़ों को 27% या जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण नहीं देना, दलितों को न्याय मिलना, महिलाओं को बराबरी में नहीं लाना, और यहाँ के नौजवान जो सरकार वादा किया 2019 में कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार कहाँ चला गया, महिलाओं को 50% आरक्षित करेंगे, वो आरक्षित नहीं आए, और यहाँ का स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति नहीं बनाया। हम लोग ऐसा बनाएंगे हमारे घोषणा पत्र जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, मरांगोम के जयपाल सिंह, दलित पिछड़ा सारे लोग मिलकर संविधान सभा में ड्राफ्ट बनाया। हम लोग चाहेंगे डॉक्टर रामदयाल मुंडा का सपना, बिरसा मुंडा का सपना, सिद्धू कानू का सपना, नीलांबर पीताम्बर का सपना, सिंगराय बिंद्राय का सपना, शहीद निर्मल महतो का सपना, शहीद जो है स्वर्गीय विनोद बाबू का सपना, ये तमाम सपनों को हम लोग जो जन आकांक्षा के अनुरूप प्रारूप तैयार करेंगे, जो हमारी नीति पारदर्शिता होगी, हमारी नीति दूरदर्शिता होगी, हमारा नेतृत्व सब लोग मिलके चले। जैसे डॉक्टर रामदयाल मुंडा कहते थे झारखंड में वो समाज व्यवस्था है कि एक दुखे सब दुखी, एक सुखे सब सुखी, यानी सामूहिक जिंदगी है, इसलिए सामूहिक चिंतन करेंगे, सामूहिक निर्णय लेंगे और सामूहिक नेतृत्व करेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। हम लोगों ने यह भी नारा दिया है कि झारखंड में कोई गैर नहीं, आपस में सामाजिक समरसता में कोई बैर नहीं, लेकिन भ्रष्ट नौकरशाहों का खेर नहीं। हम लोगों ने स्लोगन दिया है कोई भीतरी भी नहीं, कोई बाहरी भी नहीं, भारत का कोई भी नागरिक आए उसको नागरिकता को जीने का, खाने का, रहने का अधिकार। हम लोग तमाम यहाँ के उद्योगपति हो, पूंजी निवेश करने वाले हो, देश के कोई भी नागरिक झारखंड में बसे हो, उन कुल मिला के 3.5 करोड़ की आबादी है, ऊंच नीच नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, किसी का दिल को घाव नहीं करेंगे, हम सबको लेकर चलेंगे। जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो। हम लोग अगले 10 दिन के अंदर में हम लोग सीट शेयरिंग और घोषणा पत्र ये लोग तैयार करके आएंगे, और कौन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे सब जो है 15 पार्टी मिलके सीट शेयरिंग करेंगे और 81 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। इसमें आदिवासी सीट 28 है, दलित का सीट 9 सीट है, इसमें कम से कम महिला 10 गो महिला होना चाहिए, मुस्लिम समुदाय से कम 10 होना चाहिए, जो आरक्षित कोटे में नहीं है, सामान्य कैटेगरी शहरों में है उनका कम से कम 10 होना चाहिए, जैसे कि हम लोग पे आरोप ना लगे भीतरी बाहरी करता है। यहाँ कोई भाषा का विरोध नहीं करेंगे, कोई जाति का विरोध नहीं, कोई धर्म का विरोध नहीं, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मानवता का कॉन्सेप्ट है, सही लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है। तो 81 सीट पे हम लोग मिल बांट के चुनाव लड़ेंगे, और इनको 24 साल देख लिया है, 17 साल बीजेपी को समय मिला, बाप बेटा शिबू सोरेन मिला के 3-3 बार, अर्जुन मुंडा बीजेपी का, इतना मौका किसी को नहीं मिलता है, निर्दलीय को भी मिला, मधुकोड़ा को एक घोटाला फोटाला, इस बार जो हमारा 5 साल बनेगा, 5 साल में तकदीर बदल देंगे, झारखंड का तस्वीर बदल देंगे। चलिए, थैंक यू।